पवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता आनंददाता प्रभु, आपण सर्वज्ञ एवं सकल जगतर सृष्टिकर्ता अटंती। आपणकर से वरणीय पूजनीय पापताप विनाशक विज्ञान स्वरूप को आम मैने ध्यान करूछु, जहाँकि आम मान बुद्धि प्रकाशमान हूँ। आपण सबुबले आम मान बुद्धि प्रकाशित हूँ एवं आम मान सत्मार्ग परिचालित करूँ। नमस्कार, मु सुरेश कुमार महापात्र, भारतीय योग संस्थान ओडिशा प्रांत मुख्य, आपण मान आज योग प्राणायाम कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। मो सहित अच्छा आपण मानक योग प्राणायाम कार्यक्रम प्रदर्शन करने भौणी शुभस्मिता। आपण मैंने जानते एपरी गोटे रोग अच्छी जहाँकि महिला मान विशेष भाव संक्रमित करें, से रोगटी कौन ना थायरॉइड। आमर गोटे ग्रंथि अच्छी आमर बेक पाखरे, देखिए गोटे चुली भाया थायरॉइड बा चुलिका ग्रंथि भी कह जाए। एवं से जो थायरॉइड प्राय देखा जाए महिला मानू विशेषतः यह बेसी होता है, पुरुष मानक कि विशेषतः महिला मान पाखे यही थायरॉइड रोगटी विशेषतः देखा जाए। तेल थायरॉइड रोगटी कौन ना श्वसन नली ठीक बेक पाखे आमर जो चुली भली गोटे थाए चुलिका ग्रंथि बोली कह जाए, से श्वासन नली दुई पाख को थाए। एवं पुरुष मानक स्त्री मानक ग्रंथि टी अधिक ओजन थाए। आयोडीन नामक गोटे हार्मोन से थायरॉइड ग्रहण करथाय एवं सारा शरीर रे थायरॉइड आमर हार्मोन को कंट्रोल करथाय। जिते गुटे ग्रंथि अच्छी पिचुटारी ग्रंथि एडिनाल ग्रंथि थायरॉइड ग्रंथि पाराथायरॉइड ग्रंथि पैनक्रियास ग्रंथि एगुरा सब विभिन्न ग्रंथि आम शरीर भितर अच्छी, तार काम है सब ग्रंथि गुड़िक हार्मोन छाड़ी थाए। कि थायरॉइड ग्रंथि विशेषकर आम सारा शरीर हार्मोन को कंट्रोल करथाय। मस्तिष्क पिचुटारी ग्रंथि जो स्राव हुए आमर थायरॉइड ग्रंथि नियंत्रित करथाए कंट्रोल करथाए। शरीर भितर बाहर ऊर्जा को थायरॉइड ग्रंथि ठीक भाव शरीर भितर समान भाव वितरण करथाए। मस्तिष्क हृदय एवं मांसपेशी को ताहा ठीक रखि थाए, शरीर को मध्य गरम रखि थाए आमर थायरॉइड ग्रंथि। तेणु एते गुड़िए कार्यक्रम करुथिबा ग्रंथि जदि कौनसी कारणरु इनाक्टिव होगला निष्क्रिय होगला सक्रिय रहिला नाही, ताहाले केते प्रकार असुविधा आसीजिवो, कौन कौन असुविधा हेबो एवं कौन कारण आमे परे जानिबा। एबे आमे थायरॉइड पाई कौन आसन प्राणायाम दरकार जौगिक क्रिया दरकार से विषय आमे आलोचना करिबा। प्रदर्शन करिया पाई आम पाखरे भौणी शुभस्मिता अछंती। प्रथमे आमे करिबा कोणासन। कोणासन द्वारा आमर बेक पाखर ग्रंथि किपरि प्रभावित होइथाए एवं सारा शरीर रे किपरि शक्ति संचार होइथाए एही आसन को प्रदर्शन कला परे आपण ने जानि परिबे। देखेबा कोणासन। शुभस्मिता तुम्हें दुई गोड़ को सीधा करके बस, दुई हाथ देहर पछपाखे रहिब, पापुली पछवाड़ को रहिब, आ टिके दूरे के रख हाथ को रख, आ दूरे पछाड़ को पूरा पछ को रख, पाद मिसे रख, श्वास भरी दुई गोईठी एवं हाथर पापुली ऊपर भार दे देह को धीरे धीरे ऊपर को उठाओ, धीरे धीरे ऊपर को पूरा उठाओ एवं देह को सीधा रख, पूरा सरल रेखा रख, हाथ का गोटे पछ को रख सरल रेखा रही पार, पूरा उठाओ, पाद पूरा तले लगे, सारा देह गोटे लाइन में रहिबो, अति सुंदर भाव प्रदर्शन करुछंती। आसन कला बेले आमर बेक उपरे विशेषकर प्रभाव पड़ता है, मुंड जेहेतु सीधा रहुची सेते बेले आमर बेक पाखरे प्रभाव पड़ता है, फले थायरॉइड ग्रंथि आमर प्रभावित होवा सहित मेरुदंड आमर गोड़ हाथ कांध कहुणी समस्त अंग गोड़ हाथर एथिरे मध्य प्रभावित होता है। तेणु ये कोणासन करने द्वारा
थायरॉइड ग्रंथि विशेष भाव प्रभावित होउथिबारु सक्रिय होउथिबारु एहाकु आमे अभ्यास करिबा एकांत आवश्यक। अति सहज आसन केवल श्वास भरिक उपरकु उठिबे पाद तले लागिजिव देह गोटे सरल रेखा गोटे लाइन हेक रहिबो आ पूर्ण स्थिति रे श्वास को सब नॉर्मल करथिबे कारण श्वास भरिक उठिले नॉर्मल श्वास रहिले श्वास छाड़ी धीरे धीरे फेरिबे धीरे धीरे एकदम। तो आपण देखिले कोणासन द्वारा आम केमती थायरॉइड ग्रंथि को प्रभावित करुचे किंतु थायरॉइड ग्रंथि आमर ये थायरॉइड ग्रंथि इनफेक्शन होउची बा आमर जो प्रॉब्लम करउची बा जो रोग सृष्टि करउची बा इनएक्टिव हो जाउची ता कारण कौन ता कारण हैला जदि प्रतिरोधक प्रणाली आम शरीर भितर ठीक भाव काम न कला ताहले ए थायरॉइड ग्रंथि रे इनफेक्शन होइथाय एवं ताहा आमर विभिन्न प्रकार शरीर को इम्बालांस करथाय। द्वितीय कथा हला एहा महिला मानक पाखे बेसी देखा जाए कारण गर्भावस्था रे एवं रजो निवृत्ति परे एई थायरॉइड प्रॉब्लम टी ही शरीर भितर को महिला मानक पाखे विशेष भाव रे आसथाय एवं आउट हला जे आमर जदि हार्मोन इम्बालांस सब बेले रहिला ताहले मध्य थायरॉइड प्रॉब्लम होइथाय। तेणु हार्मोन को संतुलन करिया पई आपण विभिन्न आसन प्राणायाम माध्यम रे ताकु ठीक करि परिबे। आउट बड़ जिनस हला जदि आमको कौनसी कारण मोटापा बढ़ीगला सर ओबिसीटी बढ़ीगला ताहले थायरॉइड प्रॉब्लम हो पारिथाय एवं जदि महिला मानकर मासिक धर्म ठीक भाव हो नथाय ताहले मध्य थायरॉइड प्रॉब्लम होइथाय। तेणु आम थायरॉइड प्रॉब्लम शरीर भितर को आसिला माने आपण को निश्चित भाव में केते गुड़े जिनस को कंट्रोल करिया पड़िबो कौन कौन करिवे ना आपणकर शरीर भितर जदि एही प्रॉब्लम आसुची आपण नियमित भाव में योगाभ्यास करिवे प्राणायाम करिवे एवं खाद्यपेय को ठीक रखिवे टाइमली सब ठीक रखिवे ताहले आपण देखिवे आपणक थायरॉइड ठीक रहिबो थायरॉइड स्राव ठीक रहिबो एवं आपण सुस्थ रे आनंद रे जीवन यापन करि परिवे। आमे थायरॉइड ग्रंथि विषय रे आलोचना करूचे थायरॉइड ग्रंथि जो इनएक्टिव हो जाउची निष्क्रिय हो जाउची ताको आमे केमिति सक्रिय करिया जोग माध्यम रे से विषय रे आमे आलोचना करूचे प्रदर्शन मध्ये करूचे। आपण मान जानचंती थायरॉइड रु दुई प्रकार हार्मोन निर्गत होइथाय गोटिए T3 आउटिए T4 तेणु थायरॉइड केवल जे मोटापा लोक मानक हुए ता नुहे पतला लोक मानक मध्य थायरॉइड प्रॉब्लम हो पारे महिला मानक विशेष करी ए रोग बेसी होता है। थायरॉइड जदि हुए ताले आमको तार लक्षण हला आमको व्यस्त व्यस्त लागे भोक भी लागे बेक दरज लागे ओजन कम हो जाए बा बेसी हो जाए मनरे राग बेले बेले आसे एवं थायरॉइड बारंबार मल निष्कासन पर लागे चिड़चिड़ापण भी आसे झाल बुहे आउ निद मध्य लागी थाए। तो आमे थायरॉइड को ठीक रखिया पाई आसंतु गोटे आसन करिबा सेउटी हेउची सर्वांगासन ताकु करेबे आमर भौणी शुभस्मिता भौणी शुभस्मिता सर्वांगासन करिया पाई आसन उपरे सोई जांतु दुई गोड़ सीधा रखंतु दुई पाद मिसी रहिबो दुई हाथ आसन उपरे लागी रहिबो पापुली आसन सहित लागी रहिबो श्वास भरी दुई पापुली रे आसन उपरे चाप देई दुई गोड़ को धीरे धीरे ऊपर को उठांतु एवं मुंड आड़ को नहीं जाई भूमि सहित समानांतर रखंतु पुणी धीरे धीरे दुई गोड़ को ऊपर को उठांतु दुई हाथ को अंटा पाख को नहीं जातु एवं देह को पूरा सीधा रखंतु पादठु बेक जाए पूरा सीधा रहिबो एथिरे आमर सर्वांगासन माने सारा शरीर एई आसन द्वारा आक्टिव रहिथाय एवं विशेष भावरे जो बेक मुंड मोड़ी होके रहुची तेणु आमर कंठ पाखरे विशुद्धि चक्र पाखरे जोठी आमर अच्छी थायरॉइड ग्रंथि ता उपरे प्रभाव पड़िथाय
एवं थायराइड ग्रंथि कंट्रोल होता है तार स्राव को से नियंत्रित करता है सारा शरीर में समान भाव विचरण करने थाए देखु भौणी आमर कर सर्वांगासन एवं सर्वांगासन रु धीरे धीरे फेरवे दुई गोड़ धीरे धीरे मुंड आड़ को नियंतु एवं दुई हाथ आसन सहित लगे दिंतु भूमि सहित समानांतर करके पाद को रखत पुणि धीरे धीरे श्वास छाड़ी दी गोड़ को ऊपर आड़ को नियंतु धीरे धीरे फेरवे टिके समय पर रखिए धीरे धीरे दुई गोड़ को तल आड़ फेर आने आमर मेरुदंड समस्त गोटी गुड़िक गोटे 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 फेर पूर्ण स्थित में दुई गोड़ को खोल देबे माँ को ढाण को पंजा को सुहाई देबे पापुली को उल्टे देबे आकाश आड़ करेंगे और विश्राम करेंगे कारण सब स्थित पर विश्राम एकांत आवश्यक सर्वांगासन पर विश्राम कर भौणी सुभस्मिता ये सर्वांगासन अभ्यास करने द्वारा आपणकर सारा शरीर रक्त संचालन बेक पाख को आसिक मुंड पाखे पहुँची थाए तेणु बेक पाखे जो थायराइड ग्रंथि अच्छी जहाँ आम निष्क्रिय हो जाए प्रेसर रहा द्वारा तापर आमर दबाव रहा द्वारा आमर थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है तार जो निष्क्रियता दूर हो जाए थायराइड ग्रंथि सक्रिय होता है आ सारा शरीर में तापमात्रा को से बालांस कर एवं आमर जो शरीर मोटा हो जाए पतला होती यह ठीक रखि थाए तेणु सर्वांगासन निहाती करवा दरकार ताकि सारा शरीर को से बालांस कर पार तो आपण मैंने सर्वांगासन देखिले थायराइड को ठीक रखापी सर्वांगासन गोटे उत्तम आसन बोली आप जाने देखुं थायराइड ग्रंथि को सक्रिय रखापी विभिन्न प्रकार आसन प्राणायाम एवं मुद्रा एवं आम विभिन्न आसन आपण को देखु थायराइड को ठीक रखापी मत्स्यासन गोटे अत्यंत उपयोगी आसन यही आसन को आपण मान प्रदर्शन कराँ आम भौणी शुभस्मिता शुभस्मिता एवं आसन उपर शो जाओ कारण मत्स्यासन टी शोक ही अभ्यास करने को पड़ो शोथिवा अवस्था रे पद्मासन लगाओ डाहाण गोड़ को आंठु पाखरु भांगी गोईठी को नाभीर बाम पाखरे स्थित कर एवं बा गोड़ को आंठु पाखरु भांगी गोईठी को नाभीर डाहाण पाखे रख तेणु शोकि आम पद्मासन लगोचे दि गोईठी पाखापाखी रही दि आंठु आसन सहित लग रही बर्तमान शोथिवा अवस्था पद्मासन जहाँ को आम सुप्त पद्मासन बोली कहचे एवं भौणी शुभस्मिता से आम मत्स्यासन स्थित को जीवा दुई हाथ को कोहनी पाखु भांगी पापुली को आपंकर मुंडर बाँपटे आहाण पटे रखत हाथ गोटे उल्टे की पापुले भार दे कि मुंड को धीरे धीरे ऊपर को उठात एवं मुंडर ऊपर पाख जहाँ आम शिविर बोली कहचे शीर्ष पाख आसन सहित लग रुह पूरा सामना आड़ को छाती पूरा माछ जमी गोटे रही थाए तार स्थिति से पिठी आसन रु उठिक रे दुई हाथ में दुई पादर वृद्धांगुली को धरतु दुई वृद्धांगुली को धरी श्वास भरी निज आड़ को टाणतु आंठू टी ऊपर उठात निज आड़ को टाणतु पूरा देखते ये मत्स्यासन आमर बेकर स्थिति आप देखु थायराइड वर्तमान प्रभावित अच्छी तार जो प्रॉब्लम अच्छी थायराइड रे से गुड़िक दूर हो पार स्थिति यही मत्स्यासन ही आसपार एवं पुणी दुई हाथ को मुंड पाख को नहीं जातु मुंडर बाँपटे डाण पटे पापुली को रखु ओल्टे एवं पापुले भार दे कि मुंड को धीरे धीरे सीधा करतु दुई हाथ को नहीं आसतु आप नितम तल को नितम तले दुई हाथ रखतु एवं कहुणी रे स्टैंड करी निजर पिठी ऊपर उठातु आंठु मध्य ऊपर उठातु पूरा स्टैंड बन कहुणी रखतु एवं गोड़ बेकर क्रिया करतु
ଆମର ଯେଉଁ ବେକର କ୍ରିୟା ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରିୟା, ବେକର କ୍ରିୟା, ଗୋଡ଼ ନୁହେଁ, ବେକର କ୍ରିୟା, ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଁକୁ ଡାହାଣକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ପଛକୁ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆଗକୁ ପଛକୁ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଆଗକୁ ଥୋଡ଼ି ଲାଗିବ, ପୁଣି ପଛକୁ ଯିବ। ଏବଂ ଡାହାଣ ବାଁ କରନ୍ତୁ, ଡାହାଣକୁ ବାଁକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ। ପୁଣି ଡାହାଣକୁ ବାଁକୁ ଗୋଲାକାର। ଓଲଟା ପଟିଆ ଶାନ୍ତ। ଏବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦୁଇ ହାତକୁ ଧୀରେ କରି ଖସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ କହୁଣୀ ବାହାର କରିଯାଆନ୍ତୁ ବାହାରକୁ, ଏବଂ ଆସନ ଉପରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପଦ୍ମାସନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ସିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗ୍ୟାପ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ବାଘ ଡାଣୁ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାପୁଲିକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର ମତ୍ସ୍ୟାସନ। ମତ୍ସ୍ୟାସନ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ବେକ ପାଖରେ ଥିବା ଥାଇରଏଡ଼, ପାରାଥାଇରଏଡ଼ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଥାଇରଏଡ଼ ଥିବା ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଥାଇରଏଡ଼ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥାଏ। ଥାଇରଏଡ଼ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଯେଉଁ ରସ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଯାହାକି ସାରା ଶରୀରକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ, ଦେହର ଉତ୍ତାପକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ, ଦେହର ମୋଟା ବା ପତଳା ହେବା ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ଟିଭ ବା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଥାଇରଏଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଥାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ। ତେଣୁ ଥାଇରଏଡ଼କୁ ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ରହିପାରିବାନି, କାରଣ ମନରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଆସିଯାଏ, କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଥାଇରଏଡ଼ ଆମର ଶରୀର ଭିତରକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାୟ କମେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଥାଇରଏଡ଼ ଠିକ୍ ରହିବ, ଶରୀର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ରହିବ, ଶରୀର ମୋଟାପା ବା ଶରୀରର ଓଜନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ରହିବ, ଉତ୍ତାପ ଶରୀରର ଠିକ୍ ରହିବ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଲାଭ ପାଇପାରିବା ଥାଇରଏଡ଼ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। କୋଣାସନ, ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ, ମତ୍ସ୍ୟାସନ କଲେ ଆପଣ ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥି ଠିକ୍ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ୟଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଓଂ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।